तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और ये एक जो तारीख पे तारीख शब्द मैंने बोला, ये एक हिंदी फिल्म का बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है। यदि आप बात करें कि तारीख पे तारीख की, तो ये तारीख कहाँ होती है, क्यों होती है, क्या है? दोस्तों, न्यायालय में जो तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें तारीख बढ़ाई जाती है? तो वो एक प्रक्रिया होती है न्यायालय में ट्रायल या विचार। किसी मामले का जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मामला न्यायालय में पहुंचता है, तो न्यायालय उस मामले का विचारण करता है किसी अपराध का। जब विचारण किया जाता है, तो हम आज इसी विचारण या ट्रायल के बारे में जानेंगे कि ट्रायल या विचारण क्या होता है, कितने प्रकार के। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा आज जो मैं आपको बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी में दिए गए ट्रायल का बेसिक है, आधारभूत जो जानकारी है ट्रायल से संबंधित, वो मैं बतलाऊंगा कि ट्रायल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, न्यायालय के हिसाब से किस किस तरीके से डिवाइड किया गया और सीआरपीसी में कहां कहां दिए गए हैं, और ट्रायल को पढ़ने के लिए हम किन किन सेक्शन को कहां कहां से कोट करके ला सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रायल या विचारण की, ट्रायल या विचारण की परिभाषा सीआरपीसी में कहीं भी नहीं दी गई है। यदि हम परिभाषा की बात करें, तो सीआरपीसी में ट्रायल की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। फिर क्या करें उसके लिए, हम धारा 2G सीआरपीसी की जो है, सेक्शन 2G, उसकी मदद लेंगे। 2G क्या कहती है? धारा 2G इंक्वायरी या जांच को परिभाषित करती है। पिछले वीडियो में मैंने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल तीनों शब्दों की व्याख्या की थी। जब हम 2G की बात करते हैं, तो उसमें इंक्वायरी जो दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन में, उसमें दिया गया है इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी क्या है? अदर देन ट्रायल, यानी ट्रायल के अतिरिक्त, यानी कि ट्रायल कुछ वैसा मिलता जुलता लग रहा है। याद करें, जब आप टॉर्ट पढ़ते हैं, तो टॉर्ट की डेफिनेशन है, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा आपका टॉर्ट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं इंक्वायरी ट्रायल के अतिरिक्त कुछ है। इंक्वायरी जांच, कुछ चीज का पता करना, उसके बारे में जांच करना। अगर हम सामान्य परिभाषा की बात करें ट्रायल की, तो ट्रायल की सामान्य परिभाषा हमें समझ में आती है कि ट्रायल एक ऐसी इंक्वायरी है प्राइमा फेसी, जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है कि अमुक व्यक्ति जो न्यायालय के सामने लाया गया है, वो दोषी है या निर्दोष है, उसकी दोषिता और अदोषिता का विचारण किया जाता है, वो ट्रायल है। यानी ट्रायल इज ए प्राइमा फेसी एंड इंक्वायरी, ट्रायल प्रथमतः एक इंक्वायरी है जिसमें किसी व्यक्ति के दोषी होने या ना होने की बात पर विचारण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। अब दोस्तों, ट्रायल को अगर हम देखें, तो अलग अलग न्यायालयों के हिसाब से उसका क्लासिफाइड किया गया है हमारे सीआरपीसी। इस न्यायालय का ट्रायल अलग है, इस मजिस्ट्रेट का ट्रायल अलग है। एक तो हम क्लासिफिकेशन न्यायालय के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरा उसका क्लासिफिकेशन हम उस माफी जाऊंगा एक तो न्यायालय के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरा कि किस अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा उसके हिसाब से भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किस नेचर का वो अपराध है, आपका वारंट केस है, समन केस है, उसके हिसाब से भी हम उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण ट्रायल का कर सकते। इसी में दोस्तों, हम आगे देख रहे हैं सेक्शन 2W की बात कर रहा हूं, 2X की, दोनों ही क्रमशः आपके समन केस और वारंट केस की बात करते हैं। समन केस का ट्रायल कैसे होगा, वारंट केस का ट्रायल कैसे होगा, ये भी इसमें बतलाया गया है। और एक सेक्शन और हम कोट कर रहे हैं, एक प्रोविजन को,
वो है सीआरपीसी का शेड्यूल नंबर वन। सीआरपीसी की जो दो अनुसूचियां हैं उसकी पहली अनुसूची जो है वो अपराधों का वर्गीकरण करती है। आईपीसी के जितने भी अपराध हैं उन सबको लिखा गया है। 6 कॉलम हैं। 6 नंबर का कॉलम हम यहां रेफर कर सकते हैं कि संबंधित अपराध या संबंधित मामला या संबंधित धारा का जो विचारण है किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, वो शेड्यूल नंबर वन के 6 नंबर के कॉलम में दिया गया। तो दोस्तों जब हम विचारण या ट्रायल को पढ़ेंगे तो पहले तो हमें ये 4 सेक्शन को ध्यान रखना है। सेक्शन 2G जिसमें कि इंक्वायरी दिया वहां एक ट्रायल शब्द यूज हो रहा है। 2WNX समन केस एंड वारंट केस क्या होते हैं वो बताए गए हैं। और शेड्यूल नंबर वन ऑफ सीआरपीसी किसका ट्रायल कौन सा न्यायालय करेगा वो बताया गया। इसके अतिरिक्त एक चीज और है कि ट्रायल कौन सा न्यायालय का, ट्रायल अधिकांशतः निचले न्यायालय का है। सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायल होगा, मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा और बस। सेशन का ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है। अब उसके नेचर के हिसाब से करें तो कोर्ट ऑफ सेशन अलग ट्रायल करेगा, वो समन ट्रायल भी करता है वारंट ट्रायल भी करता है, मजिस्ट्रेट भी दोनों ट्रायल करेगा, वारंट ट्रायल भी करेगा समन ट्रायल भी करेगा। वारंट ट्रायल भी दो भाग अलग अलग किए गए हैं उसकी अभी बताते हैं। और एक होता है समरी ट्रायल। प्रश्न ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है, यदि हाँ तो उसका प्रोविजन कहाँ दिया गया। दोस्तों हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है और हमारे सीआरपीसी में एक प्रोविजन दिया है और वो है सेक्शन 474 जो कि ट्रायल बाय हाई कोर्ट दिया गया। हाई कोर्ट भी ट्रायल या विचारण करेगा, वो यहीं पे दिया गया है कि जब हाई कोर्ट ट्रायल करेगा तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट वाले ट्रायल को अपनाएगा, यानी जैसे कि सेशन कोर्ट ट्रायल करता है कोर्ट ऑफ सेशन, उसी प्रोसीजर को हाई कोर्ट भी अपनाएगा। तो ये क्लियर करें कि हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है और उसके प्रोविजन 474 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायल का क्लासिफिकेशन हम कोर्ट बाइट कर रहे हैं। पहला है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट के सामने आपका जो ट्रायल है वो क्या है, कहाँ है? चैप्टर नंबर 18 ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 18 में सेशन कोर्ट का ट्रायल दिया गया। वो क्या है, चैप्टर नंबर 18 में जब हम सेशन ट्रायल पढ़ेंगे तो वो हमारा दिया गया है सेक्शन 225 से लेकर 237 तक, 225 to 237। असल में सेशन कोर्ट का जो ट्रायल है दो भाग है, इसमें पूरे दो प्रकार के ट्रायल दिए हैं। एक पोर्शन हो जाएगा 225 से लेकर 236 तक, दूसरा पोर्शन हो जाएगा 237। दोनों में अलग अलग दिए हैं और इन सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे रीड बिट के साथ सेक्शन 193, 199, 209 जो रीड बिट होंगे 207, 208 शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द सीआरपीसी एंड चैप्टर नंबर 19 ऑफ सीआरपीसी, यानी ये अगला जो चैप्टर है इसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे जब पढ़ने के लिए बात आए। तो पहला ट्रायल है ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट, दूसरा ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट, यानी जब वारंट केस का ट्रायल होगा तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। कैसे होगा, जब वारंट केस की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा 2X जो सीआरपीसी की वहां बताया गया। आगे बात करता हूं, वारंट केस के ट्रायल जो है चैप्टर नंबर 19 में दिया गया है, इसके भी दो भाग हैं। पहला वारंट केस है पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट किया गया, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस के प्रतिवेदन या रिपोर्ट के आधार पर मामला पंजीकृत हुआ, तो उसका ट्रायल अलग दिया है 238 से लेकर धारा 243 तक। ये पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले का ट्रायल है वारंट केस का। और अदर देन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त किसी मामले का अगर मामला संस्तुत किया जाता है तो उसका विचारण 244 से लेकर 250 तक। तो वारंट केस का भी ट्रायल जो मजिस्ट्रेट करेगा दो भाग है, पहला पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो मामला, या दूसरा पुलिस रिपोर्ट के अन्यथा कोई मामला हो। अब अन्यथा क्या होगा उसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 190, अपराध का संज्ञान लेना है स्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रायल है अगला फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का ट्रायल ऑफ समन केस। समन केस का ट्रायल तो ध्यान रखिए 2W को। समन केस का ट्रायल दोस्तों चैप्टर नंबर 20 में दिया है सीआरपीसी के, और
इसमें सेक्शन है 251 से लेकर 259 और इसके साथ रीड की जाएगी सेक्शन 250 250। इस तरीके से हम ट्रायल ऑफ समन केस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। हर मामले का समरी ट्रायल नहीं होता, हर मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल नहीं कर सकता। कुछ ही न्यायालय हैं जो समरी ट्रायल के लिए ऑथराइज किए गए हैं। तो समरी ट्रायल चैप्टर नंबर 21 में दिया है 21 नंबर, और इसमें सेक्शन आएंगी 260 से लेकर 265 तक, और इसको हम रीडबिट करेंगे चैप्टर नंबर 20 के साथ। दोस्तों ये तो है ट्रायल की बात। देखा जाए तो चार प्रकार के ट्रायल बताए जा रहे हैं। पहला सेशन कोर्ट का ट्रायल, वारंट केस का ट्रायल, समन केस का ट्रायल और समरी ट्रायल। लेकिन जब इसको हम बारीकी से देखेंगे, जो हम एक एक करके ट्रायल को कंप्लीट करेंगे, तो हम यह पाएंगे कि ये ट्रायल हमने चार क्लासिफाइड किए, यदि इनको भी अगर शामिल करें तो पांच प्रकार के ट्रायल हो गए। ये सभी ट्रायल न्यायालय तथा अपराध के नेचर के हिसाब से हैं। लेकिन वास्तविकता में जो ट्रायल में दो ही प्रकार के हैं, वो ट्रायल या तो समन केस की तरह होता है या वारंट केस की तरह होता है। ये न्यायालय के हिसाब से अलग अलग करके। तो दोस्तों आज हमने ट्रायल का बेसिक समझा। अगले वीडियो में हम क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले बात करेंगे ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। आपका जो सेशन कोर्ट जो है उसके सामने ट्रायल जो होगा वो कैसे होगा, उसके बारे में हम फुल कोर सही तरीके से डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।